वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और बात कुछ ऐसी है, मतलब वाइब्स कुछ चंडीगढ़ जैसी है। और अब आप पूछोगे चंडीगढ़ जैसी वाइब्स क्यों है, तो बात ये है कि आज मैं और आनंद भाई मिलकर शाही पनीर बनाने वाले। मतलब वो लड़का जो कभी इंडिया में किचन में जाता ही नहीं था, मम्मी ये दे दो मम्मी वो दे दो या फिर अपनी बहन को कह के काम करवाता रहता था, आज भाई वो एक्सपर्ट हो चुका है शाही पनीर बनाने में। और मैंने सोचा कि जब मैं बना ही रहा हूँ तो क्यों ना मैं आपको एक ये छुपा हुआ अपना टैलेंट दिखा दूं। और जब आप यहाँ पर आओ तो बस मुझे फ़ोन कर देना, ऑर्डर दे देना। हाँ जी यथार्थ भाई, एक काम करो कि एक शाही पनीर की प्लेट लगा दो, आपके घर पर शाही पनीर की प्लेट पहुँच जाएगी। तो चलते हैं। और ऐसे कि बना देता है मुझे थोड़ी सी काम भी, मतलब पूरा ऐसे प्रिसीजन से बनाना, क्योंकि यही डिश मैं मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया भेजूंगा, और फिर अगर भेजूंगा तो जीत कर आऊँगा। मतलब अगर अपन जाते हैं तो जीत कर आते हैं, उसके अलावा अपने को कुछ नहीं बताना। अब सीन तो ये था कि हमने सुबह खाना बनाना है, बट ये जो भाई साहब आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, जो पनीर अभी डिफ्रॉस्ट कर रहे हैं, इन्होंने पूरे 5 घंटे बाद उठे हैं, जो हमारा नॉर्मल टाइम था उससे उसके बाद। मतलब ये इनका स्पेशल टैलेंट है, स्टाइल है। स्टाइल ये स्टाइल नहीं है, ये आलसीपन है। बेड में लेटे रहेंगे, पता नहीं क्या गंदी गंदी हरकतें करते रहते हैं बेड में बैठकर, सारा टाइम इनकी यही चीजें चलती रहती है। मैं कह भी रहा हूँ उठ जाओ जल्दी भाई, आराम से खाएंगे, कहीं बाहर पिकनिक करेंगे जाके। जो बेड पे जो चीज करता ना वो भी एक स्टाइल है, और मैं बाद में अलग से मैं उसका एक ही व्लॉग बनाऊंगा। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। शाही पनीर बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कुछ इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स आपको जो मेन मेन चाहिए वो हम आपको अभी बता देते हैं, ताकि अगर आप अपने घर पर ट्राई करना चाहें रसोई ऑफ आनंद और यथार्थ, और कोई बना नहीं पा, पर अगर आप ट्राई करना चाहें तो आपको कर सकते हैं। तो ये हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको चाहिए। हाँ, तो शाही पनीर इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लोग को लगता है कि डिफिकल्ट है, बट काफ़ी सिंपल डिश है। तो सर अभी मैं थोड़े इंग्रेडिएंट्स से कवर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको चाहिए टमाटर, ठीक है। हाँ, ये टमाटर हो गया। आपको थोड़ा चाहिए गरम मसाला, ये गरम मसाला हो गया। ये आपको शाही पनीर का जो अखा मसाला है। हाँ, तो ये अखा मसाला मुझे नहीं पता क्या होता है, बन चाहिए। और ये क्या है? नमक। ये नमक, हाँ। और ये पनीर। हाँ, ये पनीर हो गया, ये टमाटर हो गए, ये अनियंस, ये हो गए नमक, ये नमक है, और ये गरम मसाला। हाँ, तो ये सब चीजें आपको चाहिए। और कौन कहेगा कि हम लोग ग्रोन अप एडल्ट्स हैं, ऐसी बातें सुन बोलो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज शाही पनीर में हमको चाहिए आलू। आलू, हाँ, आलू आलू इम्पोर्टेंट है, आलू के बिना शाही पनीर नहीं बन सकता। तो ये रहा आलू हमारा। सबसे जरूरी काम है खाना बनाते वक्त कि जैसे जैसे खाना बन रहा है वैसे वैसे आप साफ भी सब कुछ साथ में करते रहो, क्योंकि एक अच्छा मील तभी प्रिपेयर होगा जब आपकी किचन बहुत साफ सुथरी होगी। और ये मेरे को मेरी मम्मी ने सिखाया, तो और सबकी मम्मियाँ सब कुछ यही सिखाती हैं। तो सारी मम्मियों को रिस्पेक्ट, सारी मम्मियों को प्यार, और किचन साफ करना बहुत जरूरी है, मानो ये मेरी बात। भाई, इनकी गर्लफ्रेंड इनको कब से कह जा रही है कि शादी कर ले, और ये शादी नहीं कर रहे, बताओ। ऐसे मतलब कितना कितना बुरा लगता होगा ना उस गर्लफ्रेंड को, दूसरे पार्टनर को भी कोई कह रहे शादी कर ले और शादी नहीं कर रहे। अब बता दो मेरे व्यूअर्स को, क्यों नहीं कर रहे आप शादी? पहले बात तो गर्लफ्रेंड का नंबर मुझे दे रहे, मैंने तो कभी मिला नहीं हूँ गर्लफ्रेंड से। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। एक दो सीटी के हम वेट करेंगे, और जब वो सीटी आ जाएगी उसके बाद देखते तो हैं क्या करना है। तो फिर हम दो सीटी मारेंगे, फिर कुकर दो सीटी मारेंगे, फिर हम सीटी मारेंगे। अब यही चलता है, आगे सीटी आ गई, बस अभी हम कूदेंगे, आटा गूंदने लगा मैं। यूजुअली तू कितना साइज क्या बनाता है रोटी का? रोटी का कितना बड़ी रोटी बनाता हूं यूजुअली? तो खा लोगे इतनी? 5 रोटी। चंडीगढ़ में अलग टाइप का रोटी बनता है। शाबाश।
हाँ जी दिलबर, तो सीन कुछ ऐसा है कि हमने खाना तो बना लिया, सब कुछ हो गया, बट फिर ना हमने सोचा कि घर बैठकर क्या खाना, मतलब थोड़ा वेदर अच्छा है और बाहर चलते हैं। तो अब हम बाहर आए हैं और पूरे पिकनिक वाली फील लेकर आए हैं, बेडशीट लेकर आए हैं, कैसरोल में चपातीस बंद कर लिए हैं, कंटेनर्स में वो बंद कर लिया, क्या कहते हैं उसे, पनीर, और अब यहाँ बैठेंगे, मस्त बिछाएंगे एक लॉन में, गार्डन में, और मजे करेंगे। भाई क्या मस्त फीलिंग आ रही है, खाना खाने के बाद बस पसर के लेट जाओ और कुछ नहीं चाहिए, बस लस्सी होती ना तो मजा आ जाता। अरे घर जाके रबड़ी भी तो बनानी है, हमारे पास रबड़ी पड़ी, हम रबड़ी बनाएंगे घर जाके, जब घर पे कोई नहीं तब बनाते। हाँ जी दिल बरोस, तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि लंच हो गया, पता नहीं क्या ही था ये, लंच तो डिनर था जो भी था, बट होपफुली आप लोग को मज़ा आया हो ये रेसिपी देखने में और हमारे साथ ये शाही पनीर का पार्ट बनने में आपके साथ, मतलब हम दिल से बहुत चाहते तो हैं कि आपके साथ बैठकर खाएं वगैरह सब सीन करें, बट अभी कुछ लोग दूर हैं, कुछ लोग आना चाहते हैं, बट वो ड्यू टू जो अभी वर्ल्ड में चल रहा तो नहीं पॉसिबल हो पा रहा, बट जब आप लोग आओगे तो ज़रूर आपके साथ हम दोनों बैठेंगे भाई साहब, तब गिटार भी बजाएंगे और हम लोग चिल करेंगे। और खाना बनाने तक इसने जो सर्टेन चीज़ें बोले थे उसको इग्नोर करो, टेंशन मतलब आप लोग को समझ में आ जाएगा, जो रेसिपी देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ मतलब हमने फन के लिए सब चीज़ें करी, तो होपफुली आप लोग को मजा आया, हमें बहुत मजा आया, मैंने जो बोला सब राइट है, पर इसका शायद कुछ हो सकता है। ठीक है, शॉर्ट 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 देख लो एक बार अच्छे से। तो चलो फिर मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड बॉय फ्रॉम इंडिया ट्राइंग टू मेक अ प्लेस इन योर हार्ट, सी या, बाय बाय, टेक केयर।